अच्छा सर, एक छोटा सा मैं बैठ जाऊं फिर करूंगा ये गेम। तू वाकई में आज बहुत पजामा तंग कर दिया है। अच्छा सर, एक गेम है, इस गेम का नाम है माय लॉर्ड। ये एक अनोखा गेम है, ये आपने नहीं देखा होगा ये गेम। इसमें करूंगा ये कि मैं ये व्हाइट बोर्ड जो मेरे सामने रखा है, इस पर मैं कोई रैंडम वर्ड लिखूंगा मार्कर से, कोई भी कुछ भी हो सकता है वो लफ्ज़ दुनिया का। आप दोनों के सामने ये व्हाइट बोर्ड है, आपने कोई वाइल्ड गैस करना है कि ताबिश ने क्या ही लिखा होगा। ओके क्या ही लिखा होगा। ओके मगर ये गारंटी दे रहा हूँ कि जो लिखूंगा वो टीवी पे दिखाया जा सकता है। अच्छा फिर मैं रिवील करूंगा मैंने क्या लिखा है, और आप दो भी रिवील करेंगे आपने क्या लिखा है। ठीक। फिर क्यों क्यों मिलेगा कि इस रेफरेंस में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं यार, तो ये तो इतना बड़ा, इसके आगे तो सुने ना, गेम अभी खत्म नहीं हो रहा। ये तो आप लिख लेंगे, फिर मैं रिवील करूंगा भाई मैंने ये लिखा है, और आप भी रिवील करेंगे एक एक करके कि आपने ये लिखा है, और फिर आप ये साबित करेंगे अदालत में खड़े होके, ये अदालत खड़ी हुई जज वज कि आपका जो लिखा हुआ वर्ड है वो किस तरह मेरे वर्ड के सबसे करीब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेलीफोन लिखा और आपने केला लिख दिया, कोई कनेक्शन नहीं है ना वर्ड्स में, तो आप कहेंगे भाई केले का शेप देखो फोन जैसा होता है, इसको नहीं खाया जा सकता फोन से। अच्छा हम अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन, अच्छा अच्छा रैंडम, ठीक है ठीक है, तो ये कर रहे हैं और उसी मजा है सारा। हाँ मजा तो नहीं है, पहली बार खेल रहे हैं, बहुत अजीब और गरीब तुम्हारी तरह से। क्या करें सर, पजामा भी कंगे। हाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ। हाँ भाई पेन तुम मेरा ले गए, तुम्हारा पेन है ना वहाँ पर, वो पेन उधर है आपका। अरे पता ही नहीं चला। ठीक मुझे ना देखें सर। नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा। आप लोग भी लिखे ना, आप हम आपकी आंखों से देख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं। देखेंगे आप। हाँ है ना भाई, ये देखने की चीज नहीं है तो हम क्यों देखें। किस तरह सीनियर तरीन लोग एक अपकमिंग आर्टिस्ट को, ये अपकमिंग ऐसे हो। मैं लिख चुका हूं सर, उनको दिखाऊंगा। सही है सही है सही है, ठीक है ओके, सबको समझ में आ रहा है। ठीक ठीक है, पजामे आज इशू बना हुआ है। हाँ जी डन डन सर, मैं 1 2 3 कहूंगा, लफ्ज दिखाऊंगा, फिर आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने तो ये लिखा है पजामा पजामा पजामा। अच्छा अब आपने क्या लिखा है सर। मैंने एक्टिंग लिखा। सही है, यानी कि पजामे में एक्टिंग कमाल होती है। कमाल। हाँ 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 हाँ। अभी 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 आपने क्या लिखा है बहरोज सर। मैंने सच्ची बात लिखी है। पागल है ये पजामे वाला। सही सही सर, आप बताएंगे कि एक्टिंग किस तरह पजामे से करीब है। तो मैंने बताया तो है, एक लव एक पॉइंट हो गया कि पजामे में एक्टिंग कमाल होती है। पजामा ना पहना हो तो पतलून पहनो, पतलून पहनो तो एक्टिंग वैसी नहीं होती। अब सुने, अगर पनामा में नाम आ जाए तो आपका पजामा उतर जाता है। वाह वाह वाह, इसमें 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 एक्टिंग का है। एक्टिंग तो करते हैं जिनका पनामा में नाम आया, सबने एक्टिंग की। ऐसे बड़े बड़े एक्टर। सर पागल और पजामे में क्या ताल्लुक है। देखिए पे से पजामा और पे से पागल। भाई पागल और पजामे में ये ताल्लुक हो सकता है सर कि आदमी का पजामा तंग हो मेरी तरह तो पागल हो जाता है वो। एग्जैक्टली पागल हो जाता है वो। जो तुम्हारी फीलिंग थी मैंने उस हिसाब से कहा। वाह वाह वाह, पागल पजामा। अब ये गेम ड्रॉ हो चुके, दोनों के पजामे जो है ना वो ड्रॉ हो चुका। अच्छा सर क्योंकि ड्रॉ हो चुका है एक, अब आपको गेम समझ में आ गई है। ये जो कुर्ता पजामा पहना हुआ है, हाँ ये किसने दिया है। तुम आस्तीन से साफ कर रहे हो उसको, वापस नहीं कर रहा है। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, धो के करूँ, हम हर चीज ड्राई क्लीन है ना इसका, इससे साफ करो। अरे हाँ ये भी उठा इसमें, ऐसा है सर, सर भी तो आस्तीन ही आपके सामने गंदी की है, बाकी भी तो सब पहना हुआ है। जिससे लिया है यार वो क्या कहे, ड्राई क्लीन करके देते हैं हम सर। ओके ये हमारा उसूल है। एक और लफ्ज लिख रहा हूँ, अब गेम समझ में आ गया। पजामा ड्राई क्लीन करोगे तो और छोटा हो जाएगा यार, कोई और पहनेगा ना वो। अब जी अच्छा ठीक, ये ठीक है, लिख लिया है सर मैंने। उफ बहुत अजीब और गरीब गेम है यार। हाँ ये देखिए कहीं नहीं हो रहा है, देख लिया आप सबने, देख लिया आपने बड़ा, आपने तो महसूस भी किया। ठीक 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 सर, मैंने लिख लिया, आपने लिख लिया, लिख दिया सर। मैं रिवील करता हूं,
Yes. खुदा के वास्ते मुझसे कंपेयर ना कीजिएगा. नहीं नहीं कतई नहीं. डस्टबिन. डस्टबिन. सर आप रिवील कीजिएगा. है कि जिंदगी वाह डस्टबिन हो चुकी है जिंदगी. सर पहले मैं आप भी दिखा दें फिर मैं माइक उनके हवाले क्षमा महफिल दूंगा उन्हें. मैंने ऐसी चीज लिखी है. अरे भैया फंस जाऊंगा मैं. तुम कह ही नहीं सकोगे कुछ. जियो जियो लिख दिया आपने. वेरी इसका रेफरेंस सुन ले. हाँ कि ये प्रोग्राम जियो पे चल रहा है. वाह नाजरीन जियो को देख रहे हैं. मुझे नहीं देख रहे. नहीं नहीं तुम्हें भी देख रहे मजबूरन. जावेद सर किस तरह जिंदगी डस्टबिन के करीब है मैं बताता हूं. देखें अब आप जैसे इनकी अभी शादी हुई है और इसी तरह जो नई दूल्हा दुल्हन होते हैं अगर उनकी लड़ाइयाँ कम हो खुशगवार जिंदगी गुजरे तो उनकी जिंदगी डस्टबिन नहीं बनेगी. हाँ 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 बहुत लंबी कर दी लेकिन उनकी जिंदगी डस्टबिन नहीं बनेगी समझे. अभी डस्टबिन बनी हुई तो जिंदगी.